for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another new video. So कल हमारे आसाम यूनिवर्सिटी का TDS का जो ऑर्सेम का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उसके बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट्स के जो ओवरव्यू है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैक लगाई गई है और मार्क्स अगर कहे तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए स्टूडेंट्स लोग के, जो एक्सपेक्टेशन थे उसके रिगार्डिंग मार्क्स या परसेंटेज इतने अच्छे नहीं आए. सो क्या एक्चुअली रीजन से क्या प्रॉब्लम्स हुआ है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्यों इतना बैक लगते हैं आसाम यूनिवर्सिटी में, सो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या होगा, आप लोग क्या कर सकते हो अगर आप लोग का बैक लगा है. सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स को लेकर. सो आप लोग क्या करना है, हर बार की तरह वीडियो में अंत तक बना रहे, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आसाम यूनिवर्सिटी का जो TDC कोर्सेज चलता है, सो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा. सो मैं जब TDC में पढ़ता था उस समय से ये सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि पहले वन ईयर बेसिस में TDC के कोर्सेज चलते थे आसाम यूनिवर्सिटी से. सो हम लोग सेकेंड बेच थे जब से सेमिस्टर सिस्टम स्टार्ट हुई, तभी से जाके स्टूडेंट्स लोगों को ज्यादातर हर एक पेपर्स में बैक मिलती थी. 6 महीने का सेमिस्टर होता था लेकिन 3-4 महीने में एग्जामिनेशन हो जाते थे. सो जिस कारण प्रिपरेशन करने का भी अच्छा समय नहीं मिलता था और कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं होते थे. और जितने भी TDC कोर्सेज चलते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजों से चलती है और गवर्नमेंट कॉलेज का आप लोगों का हाल मालूम है, कोई क्लासेस होता ही नहीं है, 1 महीने का 1.5 महीने का क्लासेस होता है, जिस कारण एनवायरमेंट अच्छे ना होने के कारण स्टूडेंट्स भी बिगड़ जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते ही नहीं है. और फिर जब एग्जामिनेशन दिया जाता है एग्जाम में बैठते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है, फिर एग्जामिनेशन देने के बाद बैक ज्यादा से ज्यादा आते हैं. हम लोग के समय पे भी हम लोग ने ये सारे चीज फेस किया है. अगर अच्छे स्टूडेंट्स भी है उनको भी अच्छा मार्क्स नहीं आता है और जो स्टूडेंट्स अच्छे प्रिपरेशन करते नहीं उनका तो जो एक्सपेक्टेशन होता है उससे ज्यादा भी उनको बैक लगते हैं. सो कल जब TDC और SEM का रिजल्ट आया उसका जो टोटल ओवरव्यू देखा, जितने स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ, मैसेजेस में बातें हुई, हर एक कॉलेजों का ओवरव्यू देखा गया, ज्यादातर कॉलेजों में बैक लगाई गई स्टूडेंट्स लोगों को और पूरे बराक वैली में या फिर आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर से जीसी कॉलेज जो बेस्ट कॉलेज हम लोग के समय से ही था, TDC लेवल में अच्छे स्कोरिंग देते थे जीसी कॉलेज के स्टूडेंट्स लोगों को, सो उनका भी परसेंटेज इस बार इतना अच्छा नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन जो था उस लेवल इतना परसेंटेज इस बार नहीं आया. तो रीजन क्या है, रीजन आसाम यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी गलती है, कॉलेज की भी गलती है. हम यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा ब्लेम दे नहीं पाएंगे कि यूनिवर्सिटी के वजह से ऐसा स्कोरिंग होता या फिर बैक पेपर्स होते. सो आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम चल रहे है सो इसमें स्टूडेंट्स कंसेप्ट के पीछे नहीं भागते, नोट्स या जेरोक्स मिल जाती है और उसके पीछे भागते है. जहाँ पे 4 महीने अगर आपको समय मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, जब तक रूटीन नहीं आता आसाम यूनिवर्सिटी जब तक रूटीन पब्लिश नहीं करता कोई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता, रूटीन का वेट करते हैं. रूटीन आने के बाद 5 दिन और 10 दिन जो समय मिलता है उसी में प्रिपरेशन स्टार्ट होते हैं. और ये पहले से देखा जा रहा है कि हर एक सेमिस्टर में 1-2 पेपर टारगेटेड होते हैं और उसी पेपर में ज्यादातर बैक लगाए जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलती है उन पेपर में इतने खराब उनका मार्क्स आता है और हर एक कॉलेज का उन्हीं पेपर्स में बैक लगाए जाते हैं. तो अगर आपको बैक अभी लग गया तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको करना क्या है, रीवैल्यूएशन. सो रीवैल्यूएशन के जब भी नोटिस आएंगे आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा. लेकिन ऐसे ऐसे पेपर्स में ऐसे भी मार्क्स दिए मैंने स्टूडेंट्स लोग के मार्क्स देखे, जो 70 मार्क के पेपर है उसमें 1 देके रखा हुआ है 2 देके रखा हुआ है. तो 70 में स्टूडेंट्स को कैसे 1 मिल सकता है, अगर वो 2 भी आंसर अटेम्प्ट करेगा कम से कम उसको 5 से 6 या 10 मार्क्स तक उसको मिले, बट 1 देके रखा हुआ है. सो अभी करना कुछ नहीं है, रीवैल्यूएशन का जब भी नोटिस आएगा आपको उसी में अप्लाई करना पड़ेगा. सो जब भी उसका नोटिस आएगा मैं आप लोग का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे दूंगा. और कुछ भी डाउट होने से डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के आईडी आप मुझे वहां पे DM कर सकते हो एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख देना. और ऐसे जो भी गाइडेंस वीडियोस होंगे TDC के रिगार्डिंग या फिर अपडेट्स आते रहेंगे मैं इसे आप लोग को शेयर करता रहूंगा. सो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन मेरे साथ बने रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.